नगे चय सुरेंद्र चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में कहा गया है, नाणेनम दंशनेनम च चरितेन तहे वय खंती ए मुत्ति ए वड्ढमानो भवाहिये। यह एक श्लोक जो वर्धमान बनने की प्रेरणा देने वाला सिद्ध हो सकता है और वर्धमान महोत्सव का एक आधारभूत श्लोक, एक ध्येय सूत्र वाला श्लोक संभवतः है, इसे माना जा सकता है कि वर्धमान महोत्सव का एक आधारभूत आगम श्लोक क्या है। इसका उत्तर देना हो तो मैं समझता हूँ यह श्लोक बहुत संगत प्रतीत हो रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में हमें वर्धमान यथासंभवतया रहना चाहिए। ज्ञान विकास के लिए प्रतिभा भी अपेक्षित होती है। प्रतिभा एक प्रकार की शक्ति है, एक लब्धि है, उसका उपयोग आदमी कितना करता है। जैसे उजला लेख है, करणी लेख है, प्रतिभा है वो एक प्रकार से एक क्षयोप संभाव है ज्ञानावरणीय का। अब उसका उपयोग करना पढ़ने में, चिंतन में, मनन में, वो उस प्रतिभा की करणी यानी एक सक्रियता उपयोग हो जाता है। तो लब्धि और उपयोग, लब्धि इंद्रिय, उपयोग इंद्रिय, तो प्रतिभा मानो एक लब्धि है और अध्ययन अध्यापन में उसका फिर प्रयोग करना वह उसका उपयोग हो जाता है। ज्ञान महत्वपूर्ण है। आचार्य उमास्वाति ने जो कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, और उत्तरध्यायणी में जो कहा गया, नाणम च दंशनम चेव चरितम च तवोतहा एष मग्गोत्पन्नतो जिनेहिं वरदंशिहिं। उमास्वाति के सूत्र में दर्शन पहले है, बाद में ज्ञान, फिर चारित्र है। उत्तरध्यायणी के इस श्लोक में पहले ज्ञान, फिर दर्शन, फिर चारित्र और फिर तप की बात है। दर्शन का भी अपना महत्व है। जिस चीज के प्रति, जिस कार्य के प्रति, जिस लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा सघन हो जाती है, आकर्षण गहरा हो जाता है, आस्था पुष्ट हो जाती है, श्रद्धा समीचीन हो जाती है, फिर उस कार्य को करना आसान हो सकता है। जिसके प्रति रुचि नहीं, आकर्षण नहीं, आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं, वो काम कई बार करना बड़ा कठिन लगता है। जिस काम के प्रति मन है, रुचि है, आकर्षण है, वो कार्य आदमी थोड़ा कठिनाई झेलकर भी
करने को आदमी तैयार हो सकता है। तो यह ज्ञान दर्शन चारित्र, यह बीच में जो दर्शन है, यह यानी ज्ञान से हमने जान लिया कि चोरी करना गलत है, ईमानदारी अच्छी है, यह ज्ञान हो गया। अब जब तक ईमानदारी के प्रति श्रद्धा, आस्था, आकर्षण, रुचि न हो जाए, तो वो जीवन में आए न आए, कितनी आए, पर रुचि श्रद्धा हो गई, ईमानदारी के प्रति मन में आकर्षण हो गया, फिर आदमी अपने कार्यकलाप में ईमानदारी को आचरित कर सकता है आसानी से। कठिनाई आए तो भी वह प्रसन्नता से ईमानदारी को बनाए रखने का प्रयत्न कर सकता है। तो दर्शन बहुत जरूरी है सम्यक आचार के लिए, यह श्रद्धा पुष्ट रहे। जिस आदमी के प्रति हमारी श्रद्धा है, उस आदमी के लिए दूसरा आदमी कुर्बान होने को तैयार हो सकता है। बस श्रद्धा है या नहीं, वो आस्था का भाव है या नहीं, हमारी आस्था आत्मा के प्रति है, भी आत्मा का कल्याण करना है। मर पूरा देशा आत्मा रा कारज सारसा, कितना बड़ा श्रद्धा का यह एक उद्घोष है कि मर जाएंगे भले, आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करेंगे, आत्म साधना करेंगे। अब गीत में जो वो पहला पद्य है, वह एक आस्था का मानो पद्य है, बड़ा सुंदर आस्था को द्योतित करने वाला पद्य है। प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। अब यह जो पद्य है और आंकड़ी है, कितनी बड़ी आस्था उद्घुष्ट हो रही है कि प्राणों की परवाह नहीं है, प्राण को अटल निभाएंगे। अब यह आस्था मजबूत होती है, फिर प्राण को निभाना, प्राण का क्रियान्वयन करना सुगम हो सकता है। आस्था नहीं हो तो आदमी प्राण को छोड़ देता है, प्राण के लिए प्राण को छोड़ देता है। आस्था मजबूत है तो प्राण के लिए प्राण छोड़ने को तैयार हो जाता है। यह आस्था का अंतर है कि आस्था है तो प्राण के लिए प्राण छोड़ दे आदमी, आस्था नहीं है तो प्राण के लिए फिर प्राण को छोड़ दे आदमी। तो सम्यक दर्शन की जो बात है कि दर्शन निर्मल रहे, सम्यक दर्शन निर्मल रहे,
वीतराग वचन वीतराग ने जो प्रवेदित कर दिया, तमेव सत्यम निशंकम जम जिणे हिम पवे इयम, वही सत्य और वह सत्य ही है, निशंक है जो जिनों ने प्रवेदित किया है। यह एक सम्यक दर्शन का एक सूत्र है कि वीतराग जिनेश्वर ने जो प्रवेदित किया है वह सत्य ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। किसी छद्मस्थ की बात कोई गलत भी हो जाए, बताने में कहीं गलती हो जाए, पर केवल ज्ञानी जिनेश्वर हैं, उन्होंने जो प्रवेदित कर दिया वह तो सत्य ही है और वही सत्य है, निस्संक है। तो सम्यक्त्व निर्मल और मजबूत रहे, और सम्यक्त्व के लिए कषाय मंदता की साधना हमारी अच्छी रहे, कषाय मंद रहे। गुस्सा अहंकार माया लोभ ये प्रतनु और पतनु हो जाएं, और इसके साथ तत्व बोध का प्रयास हो, तत्व को समझने का प्रयास हो, और तत्व को अनाग्रह भाव से निष्पक्ष भाव से पकड़ने का समझने का हमारा प्रयास हो, तो आशा है हमारा सम्यक दर्शन मजबूती को प्राप्त हो सकता है। तो दर्शन श्रद्धा का एक फलित आचार की निर्मलता हो सकती है, आचार चारित्र निर्मल रहे। चारित्रम समभावो, चारित्र की सीधी सी परिभाषा है कि चारित्र क्या है, समभाव चारित्र है, समता का भाव चारित्र है। यह समता मूल में है, चारित्र के मूल में समता है, उस मूल से फिर ये मानव शाखाएं निकलती है, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पंचशाखी यह चारित्र वृक्ष है जिसकी पांच शाखाएं निकलती, मूल में समता फिर शाखाएं हैं, वे पांच अहिंसा आदि के रूप में है। हम चारित्र आत्माएं अपने चारित्र की निर्मलता का प्रयास रखें, यह काम्य है। प्रतिलेखन है, प्रतिलेखन ठीक यथाविधि होता है या नहीं, कहीं बिना प्रतिलेखित उपकरण न रह जाए, ओगा प्रतिलेखित किया या नहीं, पूंजन की प्लेवना हुई या नहीं, हमारे उपकरणों की यथाविधि प्लेवना प्रतिलेखन हो जाए, इसके प्रति हम चारित्रात्माओं की सजगता जागरूकता रहनी चाहिए, कभी छूट जाए तो आलोचना ले लेनी चाहिए। वर्तमान युग में प्रतिक्रमण और प्रायश्चित ये दो बड़े अच्छे उपाय हैं चारित्र की निर्मलता के। प्रतिक्रमण अच्छा हो, दोनों समय अगर बढ़िया प्रतिक्रमण हो जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाए, सुबह का भी प्रतिक्रमण अच्छा हो जाए और शाम का भी अच्छा हो जाए, वरना भी इतना समय कौन लगाए, फिर बिहार का समय हो रहा है तो कई बार हो सकता है हम लोग जल्दबाजी फटाफट करके प्लेवना फटाफट करके बिहार करो, सुबह कई बार प्रतिक्रमण में कोई जल्दबाजी भी कर ले, कहने शाम को भी प्रतिक्रमण बराबर न हो तो यह थोड़ी चिंतनीय बात हमारे लिए हो सकती है कि प्रतिक्रमण हमारा ठीक अगर नहीं होता है तो। प्रतिक्रमण अच्छा पाठ उच्चारण हो जाए, अर्थबोध भी साथ में होता रहे, ज़्यादा जल्दबाजी न करें, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा शांति से अगर प्रतिक्रमण कर लें बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात है प्रायश्चित,
कि अपने जो प्रतिसेवना हो जाए तो उसका प्रायश्चित हो जाना चाहिए, चाहे प्लेवना में कोई छूट गया हो, कोई जीव जंतु की हिंसा हो गई हो, कोई चिकित्सा संबंधी उपक्रम जो आलोच्य है वैसा हो गया हो, और भी कई प्रकार के दोष हो गए हों, तो उनका प्रायश्चित्तीकरण प्रायश्चित हो जाना चाहिए। और महाप्रयाण होने से पहले पहले अच्छी अपनी आलोचना हो जानी चाहिए। दोष लगे रह जाए, आलोचना करे नहीं, आयुष्य आ जाए तो वो दोष साथ में चले जाए, वह बढ़िया नहीं। यह गंदगी दोषों की यहीं रह जाए, इस जिंदगी में कोई गंदगी इकट्ठी हो गई है वो यहीं छोड़ दें, वो साथ ऊपर न ले, साथ उसको न ले जाए। इसके लिए आलोचना महाप्रयाण से पहले पहले एक जीवन भर की बढ़िया आलोचना अपनी कर लेनी चाहिए। और कोई खास दोष लगे हों तो उन दोषों का तो यथा समय अपना प्रायश्चित ले लेना चाहिए। तो ये प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, ये दो बड़े अच्छे उपाय हैं चारित्र की निर्मलता को बनाए रखने के लिए। चौबीसत्थव भी है टाइमली, जैसे जो विधि है गोचरी आदि जाकर आए हैं तो चौबीसत्थव करने का है, प्रतिलेखन करके जो, तो चौबीसत्थव भी अच्छा होता रहे। गोचरी जाकर आया है थोड़ा चौबीसत्थव कर लेना चाहिए, ताकि तत्काल आर भी न, तत्काल आर न करना हो, थोड़ी देर ठंडा हो जाओ, चौबीसत्थव कर लो, 5-7-8 मिनट थोड़ा विश्राम हो जाए, बाद में आहार में लगे, तो चौबीसत्थव भी हमारा होता रहे। तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित हैं, चौबीसत्थव भी एक प्रकार का प्रायश्चित ही मान लें उसको, तो वो यथाविधि यथास्थिति हो जाए तो बढ़िया रहे। हमारी समितियां हैं, अब इरिया समिति है, हम इरिया समिति के प्रति भी जागरूक रहें। मार्ग में हरियाली आ गई है, काई आ गई है, या कई बार ये थोड़े लंबे लंबे जीव चलते रहते हैं, सड़क पर चलते मिल जाते हैं, तो हम ध्यान से देखें, साथ वाले संतों आदि को बता दें भाई जीव है जीव है, तो वो भी अलर्ट हो जाएं भी जीव है। तो यों जीवों के प्रति दया अहिंसा की भावना हमारी इरिया समिति के माध्यम से रहे। और इरिया समिति बहुत अच्छी साधना है, बातें करना नहीं, प्रायः मौन देखने में ध्यान है, यह तो बहुत अच्छी साधना है। समय का चलने में समय तो लगना ही लगना है, उस समय का बढ़िया उपयोग हो जाए, हम भाव क्रिया युक्त इरिया समिति युक्त चलने का यथासंभव प्रयास करें। यह चलते समय स्वाध्याय तो करना ही नहीं, चलते समय चितानाक और कोई ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, नवकार मंत्र का बोलते बोलते चलें, चारित्र आत्माओं को चलते चलते नवकार का पाठ भी नहीं करना चाहिए। इरिया समिति में हमारा विशेषतया ध्यान रहे, बोल बोल करके कोई चितारणा कुछ नहीं करना चाहिए, बातों से भी सामान्यतया बचना चाहिए, चलते चलते बातें नहीं, तो हमारी इरिया समिति की साधना अच्छी हो सकती है, जो कि हमारे चारित्र से संबंधित एक अंग है। हमारी भाषा समिति पर हम ध्यान दें कि भी भाषा में कोई कट्टू जबान जान तक हो, किसी को कड़वी जबान क्यों बोले, शांति से भी तो बोल सकते हैं, शांति से काम हो सकता है तो कड़वी जबान क्यों बोलें, फिर शांति से काम हो तो क्यों किसी को कड़ा बोलें, क्यों जबान से किसी को
कष्ट पहुँचे हमारी ओर से। तो भाषा समिति में कट्टु जबान भी हमारी जान तक हो सके कट्टु जबान नहीं बोलना, और यथार्थ भाषा तो निकलनी नहीं चाहिए। तो हमारी ये भाषा है उसके प्रति भी को वो भी हमारा एक चारित्र का एक अंग है साधना का। तो इसी तरह ऐसना समिति है, आदान निक्षेप समिति है, कहीं ऐसना समिति में हमारी आसक्ति बाधक न बन जाए कि ऐसना समिति की इच्छा हो गई, कोई चीज़ मंगा ली कर ली, कोई अमुक चीज़ मंगा ली तो ऑनलाइन चीज़ आ जाएगी, ऑनलाइन चीज़ आ जाएगी, थोड़ा सा बताओ ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी चीज़, उपलब्ध तो हो जाएगी परंतु चारित्र में कहीं खामी नहीं हो जाएगी क्या? कि अमुक चीज़ खाने की रुचि है, किसी को संकेत ऑनलाइन वो चीज़ यहाँ पहुँच जाए, बस कोई आदमी लेकर आ जाए ले लिया। तो यूँ हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े यूँ दोष, कोई चीज़ चाहिए और इशारा कर दिया कि यह चीज़ बन जाए आज, तो इशारा करके कोई चीज़ बना नहीं, ऐसे प्रमाद नहीं होना चाहिए कि अमुक चीज़ का इशारा कर दो वो चीज़ आज, अमुक डेरा अमुक उसको बता दो यह चीज़ आज बना लिएगा, अमुक लोगों को कह दो वो चीज़ लेकर के आ जाएंगे भावना भाएंगे, ऐसे हमें अपनी ऐसना समिति में दोष लगे, आत्मा को प्रमाद का दोष लगे, ऐसे कार्य से बचना चाहिए। यह आसक्ति के कारण ऐसे दोषों का आसेवन हमारे न हो जाए, इसके प्रति हमारी जागरूकता रहनी चाहिए। अब दरवाजा बंद भी करना है तो पले 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 करके एक पूजना पलना जो विधि है वो करना, तत्काल दरवाजा चाहे खिड़की है गेट है तत्काल फट बंद कर दिया, देखा ही नहीं तो कोई जीव मर जाए, तो जीव मरा कि नहीं मरा हमने तो असावधानी कर देना, बिना देखे गेट बंद कर दिया। तो खिड़की हो दरवाजा हो पले करके देख करके या पूंज करके वो हिसाब से आँखों का उपयोग करना चाहिए, दिन हो या रात। आजकल तो रात में भी चलें तो ओगा है मान लो, फिर आँखों से भी देखें, आँखों का भी उपयोग करें, कोई जीव जंतु नहीं है ना। अब रात को सोना भी है बैठ इधर उधर होना है कुछ, तो आँख से भी देख ले फिर इसका भी उपयोग कर लें भले। तो यह पीछे होना है तो थोड़ा सा पूंज करके हो, ऐसे हमें यह जो समितियाँ गुप्तियाँ प्रतिलेखन प्रमार्जन है इन चीज़ों का प्रमार्जन ही है, यह हमारी बड़ी एक सहायक बनती है हमारे पूंजने में, और में दिन में रात में पैर भी फैलाना हो और हो आँख से भी देख ले और पूंजनी पास में है या ओगा अपना पास में है, तो ये हमारे धर्मोपकरण हैं। तो प्रतिलेखन प्रमार्जन ये भी हमारी चर्या के अंग हैं। तो प्रतिलेखन में हमारा कोई बिना प्रतिलेखित उपकरण न रह जाए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भूल में रह गया किसी तरह रह गया तो उसकी आलोचना भी ले लेनी चाहिए, और कोई दोष लग जाए चिकित्सा में और में उसका टाइमली अपना प्रायश्चित ले लें और उसको फिर उतारने का प्रयास करें। अब यह पांच बीघे टालने का है ना, तो अच्छी तरह पांच बीघे कई महीने टाल दी तो पांच बीघे टालने से अपने जो तिथियों वाली वो है एक बोर कोई ब्लड टेस्टिंग हुई अमुक तो सो सारा मोटा मोटी खाता उसमें समाविष्ट है, तो एकांतरा करें उनका तो कहना ही क्या, एकांतरा करें उनका तो सारा भस्मीभूत हो जाए, कोई चिकित्सा में लगा के साथ सारा भस्मीभूत उस एकांतरा वृषि तक में काफ़ी काम हो जाए। तो अपने ढंग से भाई स्वाध्याय एक विगय वर्जन एक करके अपना सारा प्रायश्चित निर्वोध हो जाए, वो हमें चारित्र की निर्मलता के लिए प्रयास रखना चाहिए। तो यह चारित्र का मूल मानो विनय कह दो यों समभाव है, चारित्र वो समभाव है, वो समभाव उसकी पांच शाखाएं मान ले
अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह समितियाँ गुप्तियाँ जुड़ी हुई हैं, तो हम अपने सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की सम्यक आराधना करने का प्रयास रखें, यह हमारे लिए काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।